कम से कम 50,000 से ऊपर ऊपर काटे गए हैं। ये हमें दादा बाप दादा की विरासत है। तो आप यहाँ थे उस वक्त जब दरख्त? ना ना, उस वक्त आम काट इन्हें अब काट दिया था, उस वक्त नहीं था आम यहाँ। यहाँ पे गुजर और कश्मीरी चौपान रहते थे, उनके पेड़ लगाए थे 100 साल से पहले। 2-3 बार वे काटे गए हैं, पहले भी काटे गए, तो आज भी इनके साथ बेइंसाफी की गई है। बहुत सारे पेड़ इनके काटे गए हैं, और यहाँ पे जो रहते थे गुजर उनको भी निकाला गया है कि आप यहाँ से निकलो। 50-60 साल से ये बूटे हमने यहाँ लगाए हैं, हम इससे रुपये 10 आएंगे कर्जा उठा के, अच्छा ये मेवा देते हैं, इसी पर गुजारा चलते हैं, आज इन्होंने तहस नहस इसको क्या है। आपको फिर कैसे पता चला कि मतलब दरख्त इन लोगों ने काटे हैं? मेरा बच्चा आया यहाँ, वो यहाँ नजर देने इन्हें दरख्त ये काटे था, उसके वो नाश गया है, उन्हें देखा वो नाश गया, वो छोटा बच्चा है। अच्छा 1956 का इंतखाब है मेरे पास, जो दादा मेरे दादा ने उस वो दादा साहब के टाइम में हुई। आज ये लोग आए हैं अचानक, हमें मालूम नहीं है, तो हमारे इन दरख्तों को तहस नहस किया है। और यहाँ 10-12 और ज़मींदार हैं, इनका भी काट दिया है। बाकी कुछ जो है इनके साथ इनका उठना बैठना है, उनके साथ कुछ नहीं किया। गरीब आवाम जो है ये 10-20 घर इनको तहस नहस किया, इनके दरख्तों को। जो फॉरेस्ट एक्ट 2006 लागू किया गया है, तो ये लागू है तो किस लिए, किससे ये पेड़ काटे गए हैं फॉरेस्ट वालों ने, कैसे पेड़ काटे गए इन गरीबों का, फिर कैसे बोले गए यहाँ से निकल जाओ? गवर्नमेंट का प्रोग्राम है दरख्त लगाना, दरख्त उगाना जमीन में, ये काटने की इजाजत नहीं है। अगर गवर्नमेंट को लेना है ये दरख्तों के साथ ही लेंगे, क्यों इन्होंने साजिश की? हम 10-20 घरों की ये यहाँ जमीन में आए हैं और ये हमारे बागात काट दिए हैं बेदर्दी से, तो कितने खून इन्होंने किए हैं, ये अफसोस का मुकाम है हमें। इन्ना दरख्तों ने बनाता में कितने टाइम लगता है आपको पता नहीं है, इन्ना कितना टाइम लगता है इन्ना बनाता में। अगर उन्ना कटना, अगर ले जाना था इसे रह ले जाओ, मगर उन्ना काटना मत था। यहाँ आए दरख्त काटे हमारे इन गरीब आवाम जो बहुत यहाँ से हैं, 5-10-20 घर इसमें लिए, एक साजिश के तहत इन्होंने तमाम दरख्त काट दिए हैं। जिस वक्त इन्हें दरख्त काटा उस वक्त हमने इन्हें निकाल दिया भी था अगे, उस तो अगे 2 दिन निकाल दिया भी था अगे। ये कहाँ जाएंगे, बेसुहारे लोग हैं, ये जाएंगे कहाँ? ये चौपान है, ये भेड़ बकरियाँ यहाँ पे रखते थे गुजर है, वो अपने माल व्यवसाय यहाँ रखते थे, वो कहाँ जाएंगे? वो गरीब इस वक्त कहाँ जाएंगे, सर्दी की टाइम है, आज बर्फ़ पड़ रही है, कहाँ जाएंगे वो बेचारे लोग? फिर इनके साथ इतनी बेइंसाफी की गई है, रोशनी एक्ट की तय जो ज़मीन है उसको भी निकालते गए, ये कि मोदी ये बीजेपी की वजह से हो गई है जो जुल्म हमारे पे, गुजर लोगों पे, कश्मीरियों पे, चौपानों पे।